दर्शकों, रामचंद्र जी ने धनुष को बड़ी आसानी से उठाकर उस पर डोरी चढ़ा दी। इस प्रकार राम जी का विवाह सीता जी के साथ धूमधाम से संपन्न हो गया। अयोध्या में राजमहल का दृश्य, जहाँ राजा दशरथ भगवान राम के राज्याभिषेक की घोषणा करते हुए कहते हैं, अब मेरी आयु बढ़ रही है, शरीर भी क्षीण होता जा रहा है, इसलिए अब मैं अपने राज्य का उत्तरदायित्व अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को सौंपना चाहता हूँ। क्या आपको अपने पुत्र का भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है? कभी सोचा भी है?
और अमृत की यदि तुम्हें पहचान होती तो यह दिन न आता आज। अब यही उचित समय है। राजा दशरथ से अपने दोनों वरदान का यह सुनकर रानी के कई को भवन में चली जाती है और राजा दशरथ से राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी मांगती है। राजमहल में सभी लोग बहुत दुखी हैं और चारों ओर उदासी छाई हुई है। भगवान राम अपनी पत्नी सीता वे अनुज लक्ष्मण के साथ पिता की आज्ञा अनुसार वन को प्रस्थान करते हैं। भिक्षा मांगते रहते हैं। भिक्षा मांगते
वन वन जब प्रभु राम और लक्ष्मण सीता माता को वन